चिल्ड्रन वी वर डूइंग सम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। हम लोग उसमें तीन पॉइंट्स कर चुके थे। पहला पॉइंट था कि फेडरलिज्म में दो या उससे ज़्यादा टायर्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं या लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। दूसरा पॉइंट था कि जो डिफरेंट टायर्स या डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट हैं वो सेम सिटीजन्स को ही गवर्न करते हैं, पर हर एक लेवल का खुद का एक जूरिसडिक्शन होता है इन मैटर्स ऑफ लेजिस्लेशन, टैक्सेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब लेजिस्लेशन, टैक्सेशन और एडमिनिस्ट्रेशन, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका उनका अलग अलग जूरिसडिक्शन होता है, ठीक है, पर वो गवर्न किसको करते हैं, ऑफ द सेम सिटीजन्स, टू द सेम सिटीजन्स। और ये जो जूरिसडिक्शन है इन स्पेसिफिक मैटर्स के, उनका जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, लाइक द जूरिसडिक्शंस ऑफ द रिस्पेक्टिव लेवल्स और टायर्स ऑफ गवर्नमेंट स्पेसिफाइड है कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे एग्जिस्टेंस और अथॉरिटी जो उस लेवल ऑफ गवर्नमेंट की है वो कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटीड है। ओके, वी हैव डन दीज थ्री की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पॉइंट। द फोर्थ पॉइंट इज द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज्ड बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। जो फंडामेंटल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, वो यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकते एक लेवल बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। नाउ व्हाट इज यूनिलैटरली चेंज नहीं हो सकता। यूनिलैटरली मतलब कोई एक बंदा या पावर ऑफ अथॉरिटी चेंज नहीं कर सकती। यूनि का मतलब एक होता है। ओके, सो नॉट बेसिकली वन, बट मतलब किसी भी एक टाइप को सूट कर रहा हो। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन यूनिलैटरली चेंज नहीं करी जा सकती, मतलब किसी एक के भी फेवर में चेंज नहीं करा जा सकता, और ये कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। ओके, सो द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी यूनिलैटरली चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट प्रोविजन नहीं चेंज कर सकती है कॉन्स्टिट्यूशन के। ओके, सच चेंजेस रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। ये ऐसा जो अगर कोई चेंजेस लाने होंगे तो कैसे लाए जा सकते हैं, बाय द कंसेंट ऑफ बोथ लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। नाउ कमिंग टू द फिफ्थ पॉइंट, कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कोर्ट के पास क्या पावर है, कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट कर सकती है और पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। द हाईएस्ट कोर्ट एक्ट्स एज एन अम्पायर इफ डिस्प्यूट अराइजेस बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द रिस्पेक्टिव पावर्स। अब सेंट्रल या स्टेट के बीच में लड़ाई हो गई तो उसको रिजॉल्व कौन करेगा, उसको सुलझाएगा कौन, उसको सुलझाएगा द कोर्ट्स। ओके, सो द हाईएस्ट को, अब क्रिकेट मैच में अगर लड़ाई हो जाती है या अगर एक कोड ऑफ कंडक्ट मेंटेन करना होता है तो वो कौन करता है, वो अम्पायर्स करते हैं, वही डिसीजन देते हैं, उन्हीं का ही सबसे सुप्रीम डिसीजन माना जाता है। सो वैसे ही अगर एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में किसी में भी डिस्प्यूट अराइज होता है तो कोर्ट वो डिस्प्यूट सॉल्व करेगा। सो कोर्ट्स के पास वो पावर भी है जिससे वो कॉन्स्टिट्यूशन की पावर्स और पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट को इंटरप्रेट करें, और द हाईएस्ट कोर्ट ऐसा एज एन एम्पायर एक्ट करता है कि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो, कोई लड़ाई हो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो वो उस डिस्प्यूट को सॉल्व कर सके। ओके, नाउ कमिंग टू द सिक्स्थ पॉइंट, sources of revenue for each level of government are clearly specified to ensure its financial autonomy. अब sources of revenue मतलब उनको कहाँ से पैसा मिलेगा each level of government को, ये clearly specified है कि financial autonomy maintain कर सके, मतलब financial stability maintain कर सके।
आई होप देर इज़ नो डाउट टिल हेयर. ओके, इफ़ यू हैव एनी थिंग जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, सो यू कैन आस्क. ओके, नाउ कमिंग टू द सेवेंथ पॉइंट. अब सेवेंथ पॉइंट क्या कहता है? सेवेंथ पॉइंट ये कहता है कि द फेडरल सिस्टम दस हैड ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. जो फेडरल सिस्टम है उसके दो ऑब्जेक्टिव्स है. ड्यूअल का मतलब दो ऑब्जेक्टिव्स हैं. एक है टू सेफ गार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री. सेफ गार्ड करे मतलब बचाए और प्रमोट करे यूनिटी कंट्री की, वाइल एट द सेम टाइम. सेकेंड पॉइंट क्या हुआ कि सेम टाइम पे वो अकोमोडेट करे रीजनल डाइवर्सिटी को. हमने श्रीलंका और बेल्जियम के एग्जाम्पल्स में देखा था कि बहुत ज़्यादा रीजनल और कल्चरल डाइवर्सिटी थी, तो उसको अकोमोडेट करने के लिए बेल्जियम ने एक बहुत सही रास्ता अपनाया था ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का. ठीक है, तो फेडरलिज्म हमारी ये क्यों नेसेसरी है? क्योंकि वो अकोमोडेट करता है रीजनल डाइवर्सिटी को. रीजनल डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करता है. सो फेडरल सिस्टम हैज़ ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री, एंड द सेकेंड पॉइंट, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. Therefore, two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism. तो अब दो aspects ज़रूरी हैं institution और practice of federalism की. ठीक है, governments at different levels should agree to some rules of power sharing. अब जो governments हैं different levels की, suppose state and central government, तो उनको कुछ rules को मानना पड़ेगा power sharing के. ठीक है, they should also trust that each other would abide by its part of the agreement. और उनको trust करना पड़ेगा कि दूसरी level of government अपनी अपने part को अच्छे से निभाएगा. ठीक है, abide by मतलब कि वो adhere करेगा, मतलब उसी हिसाब से चलेगा. ठीक है, now we as citizens abide by the laws of the constitution. मतलब हम constitution के laws को मानते हुए abide by. ओके, नाउ आई विल जस्ट गिव यू अ क्विक फैक्ट. वर्ड्स फॉलोड बाय प्रपोजिशंस होते हैं, तो हमेशा अबाइड के साथ बाय लगता है. ओके, सो अबाइड बाय, कभी भी आप सेंटेंस में यूज़ करो द वर्ड अबाइड, तो होगा अबाइड बाय. अबाइड के साथ कोई और प्रपोजिशन आगे नहीं लगता है, सिर्फ अबाइड बाय लगता है. सो दिस वॉज अ फैक्ट. नाउ कमिंग बैक टू सिविक्स, they should also trust that each other would abide by its part of the agreement. An ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. अब हर एक ideal मतलब federal system जैसी होनी चाहिए, उसके दो aspects होते हैं. एक mutual trust कि अगर वो अपने हिस्से की ईमानदारी रखेगा, मैं अपने हिस्से की ईमानदारी रखूँगी, तो ये होता है म्यूचुअल ट्रस्ट. ठीक है, कि एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट है. और अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, कि एक अग्रीमेंट हो कि साथ में ही जीना है, तो म्यूचुअल ट्रस्ट तो करना ही करना पड़ेगा. ओके, सो दिस वाज द सेवेंथ पॉइंट. सो सेवेंथ पॉइंट वाज अ बिट लॉन्ग, बट इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइवर्ट से द पॉइंट. ओके, बिकॉज इसमें काफ़ी पॉइंट्स आते हैं, इसके भी पॉइंट्स हैं. सो आई वुड लाइक टू डिवाइड दिस सेवेंथ पॉइंट. ओके, और मैं चाहती हूँ आप भी ऐसे ही करेंगे. हियर इज द आंसर. ओके, तीन पार्ट्स हैं इसके, ए बी और सी. द फर्स्ट पार्ट इज द फेडरल सिस्टम हैज ड्यूअल ऑब्जेक्टिव्स टू सेफगार्ड एंड प्रमोट द यूनिटी ऑफ द कंट्री एंड टू अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी. ये था एक पार्ट. देन द सेकेंड बी पार्ट इज two aspects are crucial for the institutions and practice of federalism, that is governments at different levels should agree to some rules of power sharing and also trust that each would abide by its part of the agreement. This third or the C part, an ideal federal system has both aspects, mutual trust and agreement to live together. ye hai seventh ka part. okay, ab agar aapko short mein likhna ho to you can skip on this line. okay,
ये बी पार्ट का जहाँ पे मैंने अंडरलाइन नहीं करा हुआ है, ओके। और आई एम जस्ट रिमूविंग दी हाइलाइटर, तो आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। आप समझ गए कि अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो यू कैन स्किप ऑन दिस लाइन, बट कभी क्वेश्चन आ गया कि व्हाट आर द टू क्रूशियल एस्पेक्ट्स फॉर द इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस ऑफ फेडरलिज्म, तो आपको ये आंसर लिखना पड़ेगा, ओनली द बी पार्ट, ओके, नॉट द सी और ए पार्ट, ठीक है। अगर सी पार्ट भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट यू शुड रियली स्टिक टू द पॉइंट्स। आई होप आई एम क्लियर। नाउ आई एम गिविंग यू दैट यू हैव टू राइट द सेवेंथ पॉइंट, ओके, द सेवेंथ फीचर, द सेवेंथ की फीचर ऑफ फेडरलिज्म। दिस इज योर क्वेश्चन वन फॉर द वर्कशीट। वॉट इज द सेवेंथ की फीचर ऑफ द फेडरल सिस्टम? नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, एक ऐसे ही क्वेश्चन है दैट दैट विल नॉट कम बेसिकली इन योर एग्जाम, बट इफ फेडरलिज्म वर्क्स ओनली इन बिग कंट्रीज, व्हाई डिड बेल्जियम अडॉप्टेड? अभी हमने देखा कि यहाँ पे जितनी भी बिग कंट्रीज थी उन्होंने बेसिकली फेडरलिज्म अडॉप्ट करी हुई थी। अभी एक लड़की क्वेश्चन पूछ रही है कि अगर फेडरलिज्म सिर्फ बिग कंट्रीज में चलती है तो बेल्जियम ने क्यों अडॉप्ट करी ना? क्वेश्चन टू हियर इज दिस, अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी, ओके। फेडरल सिस्टम के दो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो सेफ गार्ड करे अपनी प्रमो सेफ गार्ड करे बेसिकली दीज टू पॉइंट द ए पार्ट, ओके, इज द आंसर टू दिस गर्ल्स क्वेश्चन, ओके। सो यू शुड नो, यू कैन आस्क योर सेल्फ दीज टाइप्स ऑफ आंसर्स, ओके। Now in the second question for your worksheet, write some key features of federalism. अब हम तीन फीचर्स तो पहले वाली वर्कशीट में कर चुके थे, सेवन्थ का मैंने एक सेपरेट आंसर दिया है, तो आप कौन सी लिखेंगे वर्कशीट में? दीज फोर, फाइव एंड सिक्स, ओके। ट्राई टू डू इट इन योर ओन वर्ड्स, ओके। सो टू क्वेश्चन हो गए आपके वर्कशीट के लिए। नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पैराग्राफ। हमने अभी की फीचर्स फिनिश कर लिए हैं। द एग्जैक्ट बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वेरीज फ्रॉम वन फेडरेशन टू अनदर। अब एग्जैक्ट बैलेंस पावर का सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में वेरी करता है एक फेडरेशन से अनदर, मतलब एक कंट्री में अलग टाइप्स। जैसे हमने पढ़ा नहीं था कि देर इज़ हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग एंड देर इज़ वर्टिकल पावर शेयरिंग, ओके, ऐसे होते हैं। तो एक फेडरेशन से दूसरी फेडरेशन तक ये डिफरेंस होता है। दिस बैलेंस डिपेंड्स मेनली ऑन द हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच द फेडरेशन फर्स्ट फॉर्म्ड, और ये बैलेंस मेनली डिपेंड करता है एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पर जो जब फेडरेशन फॉर्म हुई थी। देर आर टू काइंड ऑफ रूट्स थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म, मतलब दो पाथ हैं, दो रूट्स हैं जिसने फेडरेशन को बनाया था। द फर्स्ट रूट इन्वॉल्व इंडिपेंडेंट स्टेट्स कमिंग टूगेदर ऑन देयर ओन टू फॉर्म अ बिगर यूनिट। पहली क्या है? पहली है कि इंडिपेंडेंट स्टेट्स आई थी एक साथ कि जिससे वो अपनी एक बिगर यूनिट बना सके, एक बिगर स्टेट बना सके। बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। बाय पूलिंग मतलब सब साथ में, मतलब जैसे अगर अगर किसी आप लोगों को कहीं घूमने जाना है, फ्रेंड आप लोग मतलब चार पांच लोग हो घूमने जाना है साथ में, ओके, यू हैव टू गो टू अ स्पेसिफिक रेस्टोरेंट। सो
एक पैसे देगा तो ये तो गलत हुआ, सबको मिलके पैसे देने चाहिए थे। तो सब जब मिलके पैसे दोगे तो यार पूलिंग योर मनी, मतलब आप अपना पैसा आप सब मिलजुल के इक्वल अमाउंट पूल कर रहे हो। ओके, सो दैट इज नोन एज पूलिंग। सो दैट बाय पूलिंग सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी दे कैन इंक्रीज देयर सिक्योरिटी, मतलब अपनी सोवरेनिटी, मतलब दे आर बेसिकली वो लोग एक साथ आ गए और अपनी अपनी आइडेंटिटी भी मेंटेन करेंगे और अपनी सिक्योरिटीज़ को भी इंक्रीज कर देंगे। दिस टाइप ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशंस इंक्लूड द यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। और ये ऐसी फेडरेशंस है, कमिंग टुगेदर फेडरेशंस है, इनके एग्जांपल्स हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ फेडरेशंस ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स हैव इक्वल अ पावर एंड आर स्ट्रॉन्ग विस विस द फेडरल गवर्नमेंट। नाउ एज यू कैन, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मतलब स्टेट्स थी ऑफ अमेरिका जो यूनाइट हो गई, मतलब एक साथ आ गई। सो बेसिकली वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बन गई। नाउ एज वी हैव सीन कि कई स्टेट्स होती हैं जो साथ में आती हैं टू फॉर्म अ बिगर यूनिट, दैट इज़ बेसिकली यूनाइटेड, मतलब एक साथ आ गई स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सम स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो बाय पूलिंग देयर सोवरेनिटी एंड रिटेनिंग आइडेंटिटी हैव इंक्रीज देयर सिक्योरिटी। उस टाइप ऑफ फेडरेशंस को बोलते हैं कमिंग टुगेदर फेडरेशंस, और उसमें आती हैं यूएसए, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। आई होप दैट दिस पैराग्राफ इज़ क्लियर, एंड इफ नॉट यू आर फ्री टू आस्क। ओके, नाउ वी विल डू टिल हेयर ओनली एंड स्टार्ट विद द सेकेंड रूट इन द नेक्स्ट वीडियो।